नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। बरेली पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, बोले तबलीगी जमात पर क्यों नहीं लगता प्रतिबंध। सऊदी अरब में बैन संगठन भी भारत में चल रहे हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे में रेप की दूसरी वारदात। इंदरपुरम में पड़ोसी ने घर बुलाकर बच्ची से किया दरिंदगी। पुरादा नगर में गैंगरेप। अयोध्या में दो सगे भाई ट्रेन से कटे, भीड़ बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 35 भेड़ की चपेट में आकर मरी। कारोबारी की फॉर्च्यूनर से 5 लाख और रिवॉल्वर चोरी। अजनबी ने कार का शीशा खटखटाया, इतने में दूसरी सीट पर रखा बैग हुआ गायब। फर्जी आईएएस बना शादी और लिव इन का खेल। दहेज में लिए 40 लाख ज्वेलरी और लग्जरी कार, अब ससुर ने पहुंचाया जेल। कार ने स्कूटी और बाइक में मारी टक्कर, स्कूटी सवार युवक की मौत। लखनऊ में नाका ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। वाराणसी में पति पत्नी की मौत, 3 दिन से घर के बाहर नहीं निकले थे, बदबू आने पर दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाले। दरोगा के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, बोला थाने से टेंशन लेने तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। बरेली में दो रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। नाथ मंदिर कॉरिडोर की परिक्रमा करने की तैयारी, सिटी डेवलपमेंट और विजन स्टेटमेंट ने बनाया प्लान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा, 3 की मौत। हमीरपुर में ट्रक कार में भिड़ंत के बाद लगी आग, जिंदा जल गए सवार। साइबर सेल ने नाइजीरियन ठग को दबोचा, 33 करोड़ और बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देकर की थी 12.5 लाख रुपए की ठगी। सहारनपुर में 16 जनवरी को रोजगार का अवसर, क्षेत्रीय समायोजन कार्यालय में लगेगा रोजगार मेला, 35 साल तक के युवा ले सकेंगे भाग। फिरोजाबाद में यातायात को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हुआ आयोजन, शराब पीकर वाहन न चलाने की गई अपील। घर वालों से नाराज होकर अपहरण का नाटक, परिजन केरल भेजना चाहते थे, बेटे ने भेज दिया अपहरण का मैसेज। रंगनाथ भगवान का वैकुंठ उत्सव, 10 दिवसीय वैकुंठ उत्सव का हुआ समापन, भगवान रंगनाथ ने विभिन्न स्वरूपों में दिए दर्शन। बरेली में खूनी संघर्ष, गन्ना हम काटेंगे ऐलान के बाद बरसाई 20 गोलियां, 135 बीघा जमीन के लिए 3 का मर्डर। अंबेडकर नगर में विवाहिता ने लगाई फांसी, 2 साल पहले हुई थी शादी, आए दिन पति पत्नी में हमेशा होता था विवाद। सावर गैंग का सदस्य वाराणसी से अरेस्ट, यूपी एसटीएफ ने छापा मार कर दबोचा, दे रहा था सिपाही भर्ती की परीक्षा। मेरठ माधवपुरम कमेटी हाल में गोगशी का मामला सामने आया, हिंदू संगठनों में उबाल, हंगामे पर पहुंची पुलिस। बिजनौर में गन पॉइंट पर युवती से रेप, शादी का झांसा देकर की वारदात, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर। एसएसपी ने 3 सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र का किया है परिवर्तन, मुजफ्फरनगर में
ओवर हालिंग जारी अवैध उगाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बागपत के पुलिस अधीक्षक एक्शन में 200 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की फाइल तैयार। जिले में 4000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस। आजमगढ़ दौरे पर आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्ता श्रेय होश बोले, संगठन के पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक, जिले के कमजोर संगठन को दे रहे हैं धार। विराज में अस्पताल सरकारी इलाज प्राइवेट, एसडीएम के जांच में हुई है पुष्टि, 250 रुपए ली जा रही फीस। देवरिया में ट्रेन की चपेट में आकर छात्र की मौत, बहनोई को छोड़ने आया था स्टेशन, गोरखपुर से कर रहा था आईटीआई। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी है भीषण आग, महिला और 2 मासूम बेटियों की जलकर मौत। लखनऊ में ठंड का सितम जारी, कोहरे की चादर से ढका पूरा लखनऊ, सर्द हवाओं से लोगों का जीना हुआ बेहाल। श्रावस्ती में सीएमओ का घूस लेते हुआ है वीडियो वायरल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मचा हड़कंप। पंद्रह जनवरी से प्रदेश के सभी जिलों में होंगे निवेशक सम्मेलन, देश विदेश दौरे के बाद 75 जिलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। बांदा में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार 4 पहिया गाड़ियां, कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में एएमयू के गैर शिक्षा कर्मचारी ने विस्तार को लेकर दिए चेतावनी, 16 जनवरी से हड़ताल पर जाने का ले लिया है निर्णय। अमरोहा में मनाया जा रहा है स्वामी विवेकानंद की जयंती, भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा 5 किलोमीटर लंबी यंग इंडिया रेस का किया गया आयोजन। अलीगढ़ में आवारा गौवंश की चपेट में आने से अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, हादसे में 2 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा के यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का किया गया कार्यक्रम, प्रथम विजेता को किया गया पुरस्कृत। अलीगढ़ में भाकियों स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले को लेकर भाकियों नेता ने गृह मंत्री के नाम लिखा है पत्र, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में किसानों को आंदोलन, जल सत्याग्रह को लेकर हुआ है समझौता, प्रशासन द्वारा एफआईआर कराने की बनी है सहमति। दर्जन भर लोगों के बीते 10 दिनों में साइबर अपराधियों द्वारा खाते से उड़ाए गए लाखों रुपए, साइबर क्राइम सेल ने कड़ी मशक्कत के बाद कराए वापस। रायबरेली में गौशाला के बाहर गायों के शव को नोच रहे हैं कुत्ते, वीडियो वायरल, एसडीएम और तहसीलदार कार्रवाई करने की देते रहे हैं धमकी। विशेष टीकाकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय पाठक भी रहे मौजूद। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सपा ने कैलेंडर का किया विमोचन, अखिलेश यादव ने कैलेंडर किया विमोचन, साथ ही भाजपा पर किया प्रहार। संभल में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपियों के मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, पुलिस ने हरकत में आकर 2 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार।
भाजपा युवा मोर्चा ने आयोजित किया यंग इंडिया रन, 4.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। मैराथन में दिखा युवाओं का उत्साह। जंगली जानवरों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, छोटे छोटे बच्चों को जंगली जानवर बनाते थे निशाना, ग्रामीणों के बिछाए जाल में फंसे जानवर। बुलंदशहर में वृद्ध पर अज्ञात बदमाशों ने किया है जानलेवा हमला, सूचना पर पहुंची पुलिस, सीसीटीवी के आधार पर जांच जुटी। फरुखाबाद में वृहद स्तर पर मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती, भोजपुर विधायक डीएम व आरएसएस प्रचारक ने किया है कंबल वितरण। अमौसी एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन शुरू, एक दिन में 30 टू व्हीलर और 4 व्हीलर हो सकेंगे चार्ज। मेरठ में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी के घर पर बुलाया धावा, शोर शराबे की आवाज सुनकर बदमाश मौके से हुए फरार। चिन्हर थाना क्षेत्र में महिला को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, चिन्हर थाने में तहरीर लेकर पहुंची महिला पीड़ित। मेरठ में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत, मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। बाबा साहब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर हुई थी छात्रा से छेड़खानी, आरोपी छात्र पर नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। आगरा में बिल्डर मुकेश जैन के घर आयकर का छापा, बिल्डर मुकेश जैन के घर के अंदर चल रही है छापेमारी की कार्रवाई। गुरु सिंह सभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह लॉर्ड के खिलाफ सिख समुदाय ने खोला है मोर्चा, भ्रष्टाचार और गुरुद्वारे के पैसे के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बुलंदशहर में स्कूल के टीचर के टॉर्चर से परेशान छात्रा ने किया है आत्महत्या का प्रयास, छात्रा को लक्ष्मी लाइफ लाइन हॉस्पिटल में कराया गया है एडमिट। चंदौली में पीएलपीसी से आ रही मालगाड़ी के कोयले लदे वैन में आग लग गई, आनन फानन में रेल में कर्मी आग बुझाने में जुटे। बुलंदशहर में अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस ने अवैध शराब और ट्रक के साथ 4 शराब तस्कर को किया है गिरफ्तार। उन्नाव में माघ मेला पड़ सकती, 4 दिन बंद रहेगी 112 किनारिया, निगरानी टीम करेगी निरीक्षण, चालू मिट्टी टेनरी तो कार्रवाई तय। ताजमहल पर अमेरिकी पर्यटकर ने किया है ट्वीट, बोले यहां दिव्यांग के लिए सुविधाएं क्यों नहीं, 20,000 लोगों ने देखा वीडियो। मथुरा पहुंची ओलंपियन बबीता फोकट, वृंदावन में बांके बिहारी जी के किए दर्शन, रेसलर ने अत्याचार पर जताई चिंता। मऊ में चोरी के आरोप में युवक को पीटा, ग्रामीण बोले हमने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा इसलिए पीट दिया। छोटे अपराधों में जेल में बंद कैदियों को मिलेगी मुक्ति, डीएम ने सूची तैयार करने का दिया है निर्देश, जिला कारागार में क्षमता से अधिक कैदी। हरदोई में हाईवे पर बाइक चोरी, दोस्तों को छोड़ने आया था युवक, चाबी गिरने के बाद 1 घंटे तक ढूंढता रहा पीड़ित। सुल्तानपुर में 4 लुटेरे गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और 2 तमंचे बरामद, बंधक बैंक कर्मचारी से की 23,000 की लूट।
अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया है वार, बोले बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनेगी, धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर कमाना चाहती है पैसे। इटावा में लूटपाट की शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंचे शिवपाल, बोले जनता की समस्याएं थी इसलिए यहां पर आना पड़ा। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर हंगामा, रिवर हाइट सोसाइटी में कुत्ते बाहर छुड़वाएं, विरोध पर एनिमल लवर की पिटाई। रामपुर में जरूरतमंदों की मदद के लिए आ गया है समाज सेवी, 100 लोगों को बांटे कंबल, प्रबंधन बोले सर्दी में गरीबों की करें मदद। उन्नाव एफएसओ का लखनऊ हुआ है तबादला, करीब 4.5 साल थे तैनात, 2 बार मिल चुका है राष्ट्रीय अवार्ड। भदोही में दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा, 2016 में दर्ज हुआ था मुकदमा, कोर्ट ने 16,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। चंदौली में चोरों ने बंद मकान को खंगाला, 1 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण लेकर फरार हुए, चुनौती बनी चोरों की घटनाएं। बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से चोरी की 16 बाइक किया है बरामद। कानपुर में डिप्टी सीएम बिजस पाठक ने मन से भरी हुंकार, बोले इस बार भी हो भाजपा का एमएलसी। कासगंज के पदारतपुर रेलवे फाटक के पास मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बुलंदशहर में ठंड में स्कूल बस में धक्का लगाते दिखे हैं बच्चे, डीएम के आदेश की अवहेलना कर सर्दी में भी खोले जा रहे हैं स्कूल। फतेहपुर में डीएसपी ने पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार, थाना परिसर में गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।